Assalamu alaikum students, welcome in the class of physical chemistry 2. We are doing calculation or derivation of molecular velocities from Maxwell's distribution law, and today we will deduce the root mean square velocity from Maxwell's distribution equation. So root mean square velocity. In order to deduce root mean square velocity, we will first see what is mean square velocity. ठीक है, तो mean square velocity को हम किस तरह से define करेंगे, यानी mean, ये वाला bar जो है ये mean या average को represent करता है, square velocity. Mean square velocity, this will be given as sum of the square of velocities of all the molecules divided by the total number of molecules. For example, we have a molecule 1 which is moving with velocity c1, theek hai, and then we have a molecule 2 which is moving with velocity c2 and so on up till n. तो जो मीन स्केयर वेलोसिटी है, हम क्या करेंगे कि इनकी जो जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं उसका हम स्केयर लेंगे और तमाम वेलोसिटीज का, और उनको उनको सम करेंगे और उनका सम लेंगे, मजबूआ लेंगे और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास ये आ जाएगा मीन स्केयर वेलोसिटी. ठीक है, इसको हम और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मीन स्केयर वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू 1/n, ये n बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ वेलोसिटीज यू नो फ्रॉम c1 टू c2, राइट. या फिर हम इसको सिंपली जो है सॉरी, समेशन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, ये 2 नहीं है, ये स्केयर है. ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज स्केयर. ठीक है, या फिर हम इसको मोर करेक्टली कैसे कहेंगे, समेशन ऑफ स्केयर ऑफ ऑल द वेलोसिटीज. ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग यू नो ऑल द वेलोसिटीज रेंजिंग फ्रॉम द लोअर लिमिट 0 टू इंफिनिटी, सो वी कैन टेक इंटीग्रेशन साइन. तो ये हमारे पास मीन स्केयर वेलोसिटी, दिस विल बिकम 1/n इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू हाईएस्ट लिमिट इंफिनिटी, और ये हमारे पास आ जाएगा सी स्केयर डी एन सी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, राइट. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और डी एन सी का मतलब ये हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी सी. ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या करना है कि ये देखें, ये हमारे पास है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन. ठीक है, और इसमें ये डी एन सी ओवर एन की वैल्यू दी गई है, यानी डी एन सी डिवाइडेड बाय दिस एन, राइट, एंड दिस कम्स आउट टू बी दिस वन. हमने क्या करना है, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी एन सी ओवर एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 2 से हमने डी एन सी ओवर एन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में इस डी एन सी ओवर एन की. ओके, राइट. अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पर ये मैंने फिर दोनों आपकी आसानी के लिए लिख दी है, यानी इस इक्वेशन में डी एन सी ओवर एन की जगह हमने यहां से इसकी ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. जब हम ये स्टेप परफॉर्म करेंगे तो मीन स्केयर वेलोसिटी जो है वो आपके पास आ जाएगी 4 पाई डिवाइडेड बाय एम 2 पाई के टी की पावर 3/2. ठीक है, और फिर हमने जो इंटीग्रेशन लेना है वो हमने लेना है डी इसका सी स्केयर डी एन सी डिवाइडेड बाय एन का. ठीक है, और अब इसमें इसमें से ये फैक्टर तो हमने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल दिया. ठीक है, और हमारे पास दो फैक्टर्स रह गए, ये वाला सी स्केयर बचा और हमारे पास ये वाला फैक्टर बचा, राइट. तो अब ये वाला जो है हम इंटीग्रेट जो है इस क्वांटिटी को करेंगे, कॉन्स्टेंट्स जो है हम इनको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे. तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ गई, फिर ये आ गया ई माइनस एम सी स्केयर डिवाइडेड बाय 2 के टी,
राइट। और फिर ये देखें, ये सी स्क्वायर है डी सी, और ये सी स्क्वायर और ये वाला सी स्क्वायर ये आपस में मिलके सी फोर बना देंगे, सी फोर डी सी। अच्छा जी, अब क्या है कि अगेन हमने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। और वो फैक्टर जो है वो क्या होगा, ये होगा अल्फा स्क्वायर जो है ये बराबर है 2kT डिवाइडेड बाय एम के, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये फैक्टर प्रेजेंट है यानी एम डिवाइडेड बाय 2kT, लेकिन अल्फा स्क्वायर जो है वो हम ले रहे हैं 2kT डिवाइडेड बाय एम के। तो अब चूंकि ये वाला देखें, इसलिए ये चूंकि उलट है, m ऊपर है और यहाँ m नीचे है, तो इसलिए हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर ये इंटीग्रेशन के बाद e माइनस m डिवाइडेड बाय 2kT दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वेशन जो है ये रिड्यूस हो जाएगी, e रेज टू पावर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर सी फोर डी सी, राइट। अच्छा जी, आगे क्या होगा, 4 पाई 1 ओवर अल्फा स्क्वायर पाई 3/2। अच्छा, ये वाला जो सारा फैक्टर है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, ये बराबर होता है 3/2 अल्फा 5 पाई अंडर रूट के, तो ये हमने याद कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, सी बार स्क्वायर इस जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया था, इस 4 पाई को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको खोल लेना है, तो ये आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब पाई 3/2, ठीक है, इनटू 3/8 अल्फा 5 पाई 1/2, ठीक है। ये पाई, ये जो अंडर रूट होता है इसको हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फिर इसके बाद ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है, ये आपने खुद करना है। जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो सी बार स्क्वायर जो है ये बराबर आ जाएगा 3/2 अल्फा स्क्वायर के। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 3/2 अल्फा स्क्वायर आया था, जब हम उसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है, तो वो बराबर आ जाएगा दूसरी, मतलब दोनों साइड्स का आपने अंडर रूट लेना है। जब आप सी बार स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो उसको हम फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है इस तरह से लिख सकते हैं, यानी सी बार स्क्वायर अंडर रूट को हम वर्ड्स में फिर ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल सी आर एम एस जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 3/2 जो अल्फा स्क्वायर था, जब हम उसका अंडर रूट लेंगे 3/2 के ऊपर, तो ये अंडर रूट आ गया और अल्फा के ऊपर जो स्क्वायर था वो अंडर रूट से कैंसल्ड हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 3/2 अंडर रूट और अल्फा जो है वो अंडर रूट से बाहर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर यहां पर हमने अल्फा की वैल्यू लगानी है, ठीक है, 3/2 तो ऐसा आ गया अंडर रूट इनटू, अब अल्फा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है विच इज इक्वल टू 2kT डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो जब हम इसको अल्फा में कन्वर्ट करेंगे यानी दोनों साइड से इसका अंडर रूट लेंगे, तो जो ये वाली अल्फा है वो बराबर आ जाएगा 2kT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट के, तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2 अंडर रूट इनटू 2kT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट, राइट। अच्छा जी, अब ये वाला 2 जो है इस 2 से कैंसल्ड आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3kT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट। दिस इज अगेन फॉर वन मॉलिक्यूल एंड फॉर वन मोल ऑफ गैस दिस k विल बी रिप्लेस्ड बाय r, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस विल बिकम 3RT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट। तो अगर आप 3 का अंडर रूट ले लेंगे दिस विल कम्स आउट टू बी 1.732 एंड इनटू RT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट, राइट। सो दिस इक्वेशन 3 दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इन दिस वे वी हैव डिड्यूस्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फ्रॉम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 वेलोसिटीज, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड देन देयर विल बी सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अल्लाह हाफिज़।